बताइए बैठा रखे हैं पुलिस वाले। मुझे सर बताइए तो यहाँ हम लोग बैठे, यहाँ कोई है ही नहीं सर, तभी बात हो रही है। कोई नहीं है, उनके हिम्मत कैसे पड़ गई किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी ले जाकर के पुलिस लोग बैठा लेंगे। अगर उसको कोई भी गंभीर बात हो गई उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ले गए वो जिम्मेदार होंगे सर। कोई नहीं जिम्मेदार होगा दरोगा जी, होगा ये कि अगर कोई गंभीर घटना घट गई तो कहा ये जाएगा कि साहब ये तो पहले से बीमार था। ये बात तो सही से लगी, जैसे हम लोग यहाँ पे है मान लो सीनियर उनसे, आपने तो किसी भी इज्जतदार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया मेरे जाने के बाद, और गिरफ्तार करने के बाद आप उसको सीधे लेकर के चले आते हो कहीं बैठा देते। जब मैंने यहाँ फोन किया उसी बात उनको सूचना हो गई, इतनी सब घटना में 15 से 20 मिनट हो गए, 20 मिनट के अंदर इतनी घटना हो गई, उन्होंने ले जाके कहीं बैठा दिया उनको, यहाँ लेकर के आने की हिम्मत नहीं पड़ी। तभी हम लोग को पता चला, नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं था। वो है कहा रमेश राजपूत, हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष है वो। नहीं नहीं, तभी तो हम लोग पता चला सर, वही चीज एसीपी साहब का फोन है उनसे भी पता। अभी जितना मीडिया सबको सूचना दे दो, मैं चौकी इंचार्ज से बता दिया हूँ, ठीक है, ये थोड़ा नबरदास्त करेंगे, ऐसे होगा तो फिर हो चुका कार्यकर्ता को तो कोई मतलब नहीं। नहीं मनमाने तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ये तो बात मैं मानूंगा, चाहे तक गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ पे भी बदतमीजी होती है, अमेरिका जो अरे चले की बदतमीजी है यार। अभी पांच एक आदमी की स्कूटी चोरी हुई, 5 दिन से वो आदमी चौकी और थाने के चक्कर काट रहा उनसे, और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। नहीं होगी, नहीं होगी। जब मैंने अभी कसके इंस्पेक्टर को डांटा तो उसकी एफआईआर होने जा रही है। उसको बुलवाइए ना, जो लेके गया जो लेकर के गया, वो दीवान कहा दीवान है दरोगा, जो भी उसको आप बुलवाइए, उनसे मैं पूछूं तो किस आधार पे तू गए उनको गिरफ्तार करने के लिए।